नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का दूसरा लाभार्थी संवाद। मुख्यमंत्री ने 36 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के बैंक खातों में 155 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि की ट्रांसफर। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत हवाई यात्रा की शुरुआत कल से। काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे प्रदेश के वरिष्ठ जन। जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट में बन रहे वीडियो से मिल रहा जन भावना का संदेश। कल्याणकारी योजनाओं पर वीडियो बनाकर प्रदेशवासी हर दिन जीत रहे लाखों रुपए के पुरस्कार। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के लाभार्थी संवाद कार्यक्रम के दूसरे चरण में 36 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के बैंक खातों में 155 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री ने इसमें अप्रैल महीने के डीबीटी के लाभ से शेष रहे 1,72,000 उपभोक्ताओं को 7 करोड़ रुपए से ज्यादा का लाभ, साथ ही मई महीने के 16,71,000 उपभोक्ताओं को 70 करोड़ 86 लाख रुपए और जून महीने के 18,33,000 उपभोक्ताओं को 77 करोड़ 73 लाख रुपए ट्रांसफर किए। इस प्रकार कुल 36,76,000 उपभोक्ताओं को 155 करोड़ 92 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। लाभार्थी संवाद के इस कार्यक्रम का आयोजन सभी जिलों में भी किया गया। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के पंजीकृत उपभोक्ताओं को लाभ ट्रांसफर करने का ये दूसरा चरण है। इससे पहले 5 जून को मुख्यमंत्री ने लगभग 14 लाख पंजीकृत उपभोक्ताओं के खातों में करीब 60 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की थी। जो वादे हमने किए थे 10 वादे किए थे महंगे शिविरों के अंदर, आपको जानकर खुशी होगी 8 गारंटी दी थी, 10 गारंटी दी थी हम लोगों ने, और गारंटी दी वो संख्या 1,80,00,000 परिवारों तक पहुंच गई है। 1,80,00,000 परिवारों तक पहुंच गई है तमाम गारंटी जो आपको दी गई थी गैस सिलेंडर की, जिसके लाभ आज इस प्रोग्राम जुड़े हैं। हम आपको जो 1,150 सिलेंडर 500 में दे रहे हैं, गैस स्कीम दे रहे हैं, हम कोई एहसान नहीं करें आपके ऊपर। ये जनता का हक है कि सरकार जो भी हो वो जन कल्याणकारी योजना चलाए, राहत पहुंचाए। जैसी स्थिति बनती है, महंगाई का जमाना आ गया तो हमने ये योजना लागू कर दी, जिससे कि लोगों को राहत मिले, बचत होगी परिवारों में, महिलाएं बचत करेगी तो बच्चों का अच्छे ढंग से लालन पोषण करेगी। इस थीम से हमारी स्कीम बनती है। देवस्थान विभाग मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत ने बताया कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को राज्य सरकार द्वारा नेपाल की राजधानी काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के लिए यात्रा करवाई जाएगी। योजना के तहत हवाई यात्रा की शुरुआत कल 28 जुलाई से होगी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023-24 के लिए 4,000 यात्रियों को पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू नेपाल की यात्रा करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा इस हवाई यात्रा को IRCTC के जरिए करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये यात्रा 2 सितंबर तक चलेगी, जिसमें हर दिन 100 से अधिक वरिष्ठ नागरिक यात्रा पर जाएंगे। जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट के माध्यम से प्रदेशवासी जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित वीडियो 2 सोशल मीडिया हैंडल पर #जनसम्मानजयराजस्थान के साथ शेयर कर रहे हैं। इसके माध्यम से हजारों प्रदेशवासियों को हर दिन इनाम के रूप में धनराशि जीतने का सुनहरा मौका मिल रहा है। 23 जुलाई के परिणाम में राजगढ़ अलवर के मनीष कुमार सैनी ने प्रथम पुरस्कार के रूप में 1,00,000 रुपए जीते। हाँ तो दोस्तों, आज मैं मेरी पेंटिंग के जरिए मनरेगा योजना के बारे में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस योजना का लाभ आप किस प्रकार ले सकते हैं। दूसरे स्थान पर जयपुर के प्रदीप अग्रवाल रहे। उन्होंने 50,000 रुपए की इनाम राशि प्राप्त की। नमस्कार, खम्मा गणिसा। आपको पता है हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा लाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं की वजह से राजस्थान ने देश में मॉडल स्टेट के रूप में पहचान बनाई है। इसी प्रकार नोहर हनुमानगढ़ के विनोद कुमार ने 25,000 रुपए की इनाम राशि जीत कर तीसरा स्थान प्राप्त किया। ए रानी प्री, जय गहलोत हरे। हाँ पापा। अरे देख रहा है तू, पूजा करो भगवान की। ए भगवान कौन है, तो अशोक गहलोत जी है। अरे भगवान है। ए पापा, ए भगवान हुकम है के कितो काम करावे पूरा राजस्थान में। अरे काम तो बच्चों को करा के जदी पूजा गहलोत जी ने।
साथ ही 100 प्रदेशवासियों को 1000 रुपए का प्रेरणा पुरस्कार भी मिला। राज्य सरकार के इस नवाचार से प्रदेशवासियों को योजनाओं की जानकारी भी मिल रही है। राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। प्रतियोगिता को लेकर प्रदेश भर में अभ्यास मैच चल रहे हैं। इसमें खिलाड़ियों ने अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया। इन खेलों को लेकर आमजन में जबरदस्त उत्साह है। शहर से लेकर गांव तक रजिस्टर्ड खिलाड़ी नियमित तौर पर मैदान में अभ्यास कर रहे हैं। विभिन्न खेलों के प्रशिक्षक और शारीरिक शिक्षकों के निर्देशन में खिलाड़ी अपने अपने खेलों की बारीकियां समझते हुए जमकर अभ्यास कर रहे हैं। हर आयु वर्ग के खिलाड़ी उत्साह से इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जयपुर के नेवटा और कानोता बांध को अब इको एडवेंचर टूरिज्म साइट के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार इनमें विकास कार्यों पर 6,24,00,000 रुपए खर्च करेगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। जयपुर स्थित कानोता बांध पर लगभग 2,48,00,000 रुपए की लागत से बर्ड वॉचिंग प्लेटफॉर्म, छतरी निर्माण, 600 मीटर लंबी पैरापेट दीवार सहित विभिन्न प्रकार के निर्माण किए जाएंगे। वहीं नेवटा बांध पर लगभग 3,75,00,000 रुपए की लागत से विकास कार्य होंगे। यहां प्रवेश द्वार से बांध की तरफ जाने वाला मार्ग भी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 8 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 24 नए पदों के सृजन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इनमें दौसा के महवा, जोधपुर के तिवरी, नागौर के मौलासर, धौलपुर के सरमथुरा, राजसमंद के देवगढ़, प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी, झालावाड़ के मनोहर थाना और जालोर के आहोर आईटीआई में नए पदों का सृजन होगा। प्रदेश के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अब जिला मुख्यालयों में आवास की सुविधा मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के 28 जिलों में विवेकानंद यूथ हॉस्टल खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने हॉस्टल निर्माण के लिए 78 करोड़ रुपए से ज्यादा के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। विवेकानंद यूथ हॉस्टल के निर्माण पूरा होने तक वैकल्पिक व्यवस्था के लिए 84 लाख रुपए का प्रावधान भी किया गया है। इन हॉस्टल में 50 विद्यार्थियों की आवासीय क्षमता होगी। समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए, इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट की शुरुआत की है। इस कॉन्टेस्ट के तहत बनने वाले वीडियो से लोगों तक राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंच रही है और आमजन को फायदा मिल रहा है। मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, मैंने महसूस किया कि जो स्कीम और भी है, अनेक योजना युवाओं के लिए है, किसानों के लिए है, महिलाओं के लिए है, छात्रों के लिए है, तो क्यों नहीं कॉन्टेस्ट किया जाए और कॉन्टेस्ट के माध्यम से जो बाकी बच गए लोग हैं, चाहे महंगाई राहत शिविरों में आने से बच गए हैं, चाहे अन्य योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने से वंचित रह गए हैं, उन सब तक हमारी स्कीमें पहुंचे, मुख्य उद्देश्य इस कॉन्टेस्ट का यही है। यदि आप उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास करने में भागीदारी निभा रहे हैं जिनको आवश्यकता है कि जानकारी मिले क्या क्या योजना सरकार की है। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं ने आमजन को महंगाई से राहत दी है। लगातार आमजन को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अब अगस्त महीने में प्रदेश सरकार अन्नपूर्णा फूड पैकेट वितरण शुरू करने जा रही है, साथ ही महिलाओं को स्मार्टफोन वितरण भी किया जाएगा। अन्नपूर्णा योजना जो है वो अभी आपको मैं आह्वान करना चाहूंगा, जल्दी शुरू हो रही है। तो जो हमने अन्नपूर्णा योजना में जो किट दे रहे हैं हम लोग, दालों का भी और शक्कर का भी और मीट मसाले जो भी हैं, वो सब किट का ठेके टेंडर हर जिले में हो रहे हैं। इक्विटी सेंटर कर दिया गया है, टेंडर हो गए हैं, टेंडर खुल रहे हैं। जल्दी जो मैंने वादा किया था बजट के अंदर, उसी ढंग से इस वादे को निभाने के लिए जल्दी ही आपके, मैं समझता हूँ कि अगस्त के प्रथम वीक में तो शुरू हो ही जाएगा। पूरी तैयारी हमारी हो चुकी है। और इसी ढंग से मोबाइल फ़ोन, जो मैंने कहा था कि बहनों को, विधवाओं को और स्टूडेंट को राखी पे मैंने घोषणा की थी बजट के अंदर, राखी पे उनको स्मार्टफोन दिए जाएंगे। वो टाइम भी वो नज़दीक आ रहा है, वो भी मैं समझता हूँ अगस्त के फर्स्ट वीक में प्रारंभ हो जाना चाहिए। तो जिस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।